शुभ प्रभात बेटा, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के प्रथम अध्याय पहरुए सावधान रहना की पुनरावृत्ति करेंगे। यह कविता गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित है। इसके माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश के नागरिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान किया है। आइए बेटा, अपनी कविता आरंभ करते हैं। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, आज हमारी जीत की रात है, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति की रात है, और अब से इस देश की सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। जिस प्रकार दीपक बिना विचलित हुए अपनी रोशनी से अंधकार को दूर भगाता है, उसी प्रकार हमें भी बिना डरे अपने देश की रक्षा मिलजुल कर करनी है। आगे कवि कह रहे हैं, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का शोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांभली कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता जिसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, इस नए स्वर्ग का पहला ही चरण है। यह स्वतंत्रता सभी लोगों के सामूहिक संघर्ष से मिला रत्न ही है। अभी तो हमें बहुत प्रयत्न करके ऐसे लक्ष्य रूपी कई रत्न प्राप्त करने हैं और खुशियों की माला पिरोनी है, क्योंकि अभी भी इस देश का जन साधारण गुलामी के वक्त हुए दुख अपमान और देश की संपत्ति के हुए नुकसान को नहीं भूला है। आजादी के बाद हमारी देश के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि इसकी बागडोर अब हमारे हाथ में है। हमें अपने मन में समुद्र के समान गहराई और विशालता रखते हुए सतर्क रहना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रवंजन बनकर चलती युग वंदनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। कवि कहते हैं, आज हमने बड़ी कठिनाइयों के बाद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा है और हमारे देश की सीमा हर ओर से आजाद है, परंतु ध्यान रहे इस विश्व के कई देशों से आक्रमण का खतरा है। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमारे विस्तृत जनसमूह को जाति, धर्म, भाषा जैसे कई तत्वों द्वारा विभिन्न छोटी छोटी सीमाओं में बांट दिया है, जो प्रगति के रास्ते में बाधा है। आज ब्रिटिश सिंहासन नष्ट हो रहा है, लोगों में आक्रोश का तूफान है, जो ध्यान न देने पर आपसी हिंसा को जन्म दे सकता है। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार चांद की रोशनी पथिक को अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार हे पहरुए, हे पहरेदार, तुम्हें भी सबको रास्ता दिखाना है, अर्थात जागरूक करना है। आगे कवि कह रहे हैं, ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत समाज कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नहीं जिंदगी यह विश्वास अमर है, जन गंगा में ज्वार
लहर तुम प्रहमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें आजादी तो मिल गई है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए मशाल ऊंची करो, अर्थात स्वयं को हमेशा सतर्क रखो। शत्रु सामने से तो चला गया है, परंतु वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की उन्नति में बाधक बन सकता है। इतने सालों की गुलामी में हुए शोषण से हमारा जनसमूह मानसिक, सामाजिक, वित्तीय हर प्रकार से कमजोर हो गया है, परंतु यह विश्वास कि हमारे जीवन की नई शुरुआत हो गई है, हमारे मनोबल को मजबूती देता है। एक बढ़ती हुई लहर की तरह हमें एक साथ होकर सावधानी से आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है। आशा करती हूँ बेटा आपको कविता का सारांश समझ चला गया होगा। आपने इसे ध्यान से पढ़ना, सुनना है और पढ़ना है और कंटेस्ट करना है। धन्यवाद।